समाना सदर के गांव ककराड़ा के अंदर दो गुटों में झगड़ा हुआ। यह मामला ये है कि पंचायत के कुछ सदस्य हैं जिन्हों का आरोप है कि दूसरे लोग हमारे वार्डों के अंदर विकास कार्यों में रुकावट बन रहे हैं, कार्य नहीं करवा रहे। इस रंजिश के को लेकर झगड़ा हुआ, जिस गोली भी चली और हथियारों का प्रयोग किया गया, जिसमें सदर पुलिस समाना ने 8 लोगों के खिलाफ 307 धारा के तहत मामला दर्ज किया है और क्रॉस मामला एक और दर्ज किया गया जिसमें एक महिला भी जख्मी हुई है, उसके अधीन भी 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ककराले भाई के दी बच्चा गड़ा था जी, ये अपने घर लवे गड्डी लई खड़े थे जी, जदों ये रोकन लगे जी। चलो हाँ, मैं भी गड्डी च थी, मेरे नाल एक मेंबर थी जी, दो जने थे जी असीं। इन्होंने दो जने थले डांगा लई खड़े थे जी, दारू पीती हुई थी जी, एक तो फुल ज्यादे। तो चलो जदों जी मैं देख के वो करे जी, इन्होंने गड्डी दे डांग मारी जी। तो वह जदों अपने घर नूं रस्ता जांदा थी जी सामने, भी वो जदों जी मैं आया उत्थों गड्डी मोड़न लग्या जी, वो कुछ बंदे उधरों आ रहे थे जी, कुछ गड्डी जिहड़ी इन्होंने मूहरे खड़ा रखी थी स्कॉर्पियो जी, वो गड्डी इन्होंने मूहरे लाती जी, सानू घेर लिया जी, गैलों आ गए जी, उधरों करके नहीं वो आ गए जी, मेरे फायर मारे जी, एक दो डांग मारी जी। जिन्हें किन्ने फायर किए? फायर इन्होंने 3-4 करी ने जी। थोड़ा कोई झगड़ा है पहला उन्होंने? पहला जी साडा पंचायत नाल चलता जी, बस ये कहने ने भी असी सरपंच ही असी करते हैं जी, बस आ गल तो है जी इन्हों का। रात जी अस घूम गए थे। हाँ, एक बामना भी बहुत एक ना, बस उत्थे सानू लग्या भी लड़ाई हो रही है, असी महा छड्ड परे नहीं, महा चल चले आप घर नू चलीए। वो जेड़े मुंडे थे जेड़े, एक जसबीर, एक बब्बू बाजवाई, एक हैप्पी मां, एक उसका बुढ़ा, एक बोगे पोते का मुंडा था, गनाल ओहदा मुंडा था। वह कहता वो उसकी माँ जाती है, फड़ लो उन्हू जाकर। मैं ये मेरा करच मारी है जी। वो कहता मुंडा गोली गली चली थोड़े घर के बंदे ने, गोली चली रहा? गोली नहीं चली जी। वो कहने गोली मारी है साडे? ना जी, गोली गाली का अपन कोई पता नहीं, गोली कोई नहीं चली। जब उन्हें ये कहा भी उसकी माँ जा रही है, फड़ लो उन्हू है, मेरे तो आंदे ने आ मारी करच, वो 5-6 जने ने कदे। जसवीर ने मारे? हाँ जसवीर। ਕਰਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਰਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਣ ਪਛਾਤੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰਾ 307 ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ 60 ਵਜੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 7 ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ 324 ਹੈ, 382 ਵੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਵਾਲੀ ਝਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 148, 149, 343, 506। ਹਾਂਜੀ, ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਪੰਚ ਧਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ
भी होने संबंधी या ना होने संबंधी तकरार चलता सीगा पहला भी इन्हें दोनों पार्टियां जमानत कराई गई हैं तो हाँ जी हाँ जी पुरानी इलेक्शन वेल की रंजिश चली आ रही है इन्हों कैमरामैन बाल शंकर के साथ पुरुषोत्तम कौशिक समाना न्यूज।